चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे आर्मी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मैथमेटिक का सैंपल पेपर कराऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैथमेटिक का हमारा जो मॉडल पेपर है उसको हम यहाँ पर कराएंगे। इसमें हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे मैथमेटिक के यहाँ पर क्वेश्चन हैं, अलग अलग यहाँ पर टॉपिकों से रिलेटेड यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं। और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे तो इनसे रिलेटेड इन पर आधारित क्वेश्चनों को आप अदर यहाँ पर एग्जाम में कर सकते हैं आसानी से, और इनमें यूज़ होने वाली ट्रिक और फॉर्मूले आप अदर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हमने प्रीवियस ईयर के पेपरों से यहाँ पर लिए हैं, जो हमारे पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिनको हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज पर आधारित एक यहाँ पर ट्रायंगल पर यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री हैं तो तीसरा कोण क्या होगा। देखिए, हमें यहाँ पे एक त्रिभुज के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक थ्योरम होती है हमारी कि हमारा त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज पहली बात तो हमारा त्रिभुज क्या होता है हमें पता होना चाहिए। त्रिभुज हमारा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारा त्रिभुज हो गया। और देखिए, इसके अंदर जो अंतः कोणों का योग होता है हमारा एक त्रिभुज के, वो हमारा 180 होता है। अंतः कोण हमारे मान लीजिए पहला 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, मतलब 1 हमारा फर्स्ट एंगल हो गया, सेकंड एंगल हो गया, थर्ड एंगल हो गया। तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर हमारा क्या होता है, 180 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हमारी एक फंडामेंटल थ्योरम होती है, एक प्रमेय होती है हमारे त्रिभुज की, आधारभूत प्रमेय, जिसके अनुसार यहाँ पर हम अज्ञात कोण को निकाल सकते हैं। जब हमें दो कोण दिए होंगे तो हम तीसरे कोण को आसानी से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार पूछा जाता है कि बताइए दो कोण दिए होंगे और तीसरा कोण में निकालना होगा, तो इसको निकालने के लिए आप इसी फंडामेंटल थ्योरम का प्रयोग करेंगे कि हमारे तीनों कोणों का योग 180 होता है, और वो भी हमारे अंतः कोण, क्योंकि देखिए हमारे कोण अंदर और बाहर दोनों में बनते हैं। जैसे हमारा देखिए बाहर कोण बन रहा है यहाँ पे, तो अंतः कोण कहेंगे आप तो ये अंदर वाले बनेंगे, तो अंतः कोणों का योग हमारा क्या होता है, 180 होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप निकाल देंगे, आपको दो कोण दिए हैं, पहला कोण 30 है, दूसरा कोण 105 है, तीसरा आपने मान लिया कोण 3 इक्वल टू 180। ये आपने थ्योरम रख दिया, अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको एंगल 3 मिल जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, 135 हो गया। तो देखिए ये हमारा 45 आ गया, 45 डिग्री, अर्थात जो हमारा कोण तीसरा वाला कोण है वो हमारा कितना है, 45 डिग्री का कोण है। तो 45 डिग्री का एंगल हमारा थर्ड वाला आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ज्ञात कोण को निकालने के लिए आपको इस थ्योरम का यूज़ करना है, और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मेंसुरेशन पर आधारित यहाँ पे है, क्षेत्रमिति पर आधारित यहाँ पे है। हमें बताना है यहाँ पे एक मैदान का क्षेत्रफल बताना है, जिसकी हमें लंबाई यहाँ पे 300 मीटर और चौड़ाई हमें 200 मीटर दी है, उस मैदान का हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, जब हमारी अलग अलग यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होंगी तो हमारा मैदान किस आकार का होगा। हमारी दो चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए लंबाई जो है, अब एक मैदान में हमारी दो लंबाइयाँ हैं, एक लंबाई है, एक लंबाई है। अब यहाँ पर लंबाई एक ही दी, अर्थात दोनों लंबाइयाँ बराबर होंगी और दोनों चौड़ाइयाँ बराबर होंगी। तो ये हमारी यहाँ पे 300 है और ये हमारी क्या है, 200 है। ये 200 हमारी यहाँ पे ये चौड़ाई है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो ये मैदान है हमारा, मैदान किस आकार का है, हमारा आयताकार है। ये हमारा एक रेक्टेंगल है तो ये हमारा आयताकार है। तो आयताकार मैदान का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और देखिए आयत के संबंध में, और हमारा फॉर्मूला जो होता है इसका, एक परिमाप होता है, परिमाप हमारा चारों ओर की माप होती है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप के लिए इसमें आता है ए दो गुणा लंबाई धन चौड़ाई। यदि आपको जब परिमाप निकालना हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको जब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो आप यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 300 मीटर गुणा 200 मीटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये आपका आ गया 60,000। और देखिए 2 मीटर है, मीटर गुणा मीटर हमारा मीटर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारा 60,000 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर आ गया। और ये हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, दो जगह यहाँ पर देखिए 60,000 दिया हमें, एक जगह यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है और दूसरी जगह हमारा मीटर का क्यूब है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा मीटर का स्क्वायर अब आता है, जो भी हमारी यूनिट है इकाई का वर्ग आता है, इकाई मतलब जो भी हमारी यूनिट होगी, क्योंकि वहाँ पर यूनिट हमारी सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी, या फिर किलोमीटर भी, तो कुछ भी हो वहाँ पर हमारा जो पीछे से आएगा वो हमारा वर्ग आएगा, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रफल होता है हमारा, क्षेत्रफल हमारा वर्गों का योग ही होता है, जैसे हमारे यहाँ पर इसके अंदर वर्ग हैं, इसके अंदर हमारे देखिए 200 लाइनें होंगी, इस तरह की 200 लाइनें होंगी, और ऊपर से हमारी ये तिरछी वाली जो हमारी यहाँ पर रो हैं ये हमारी 200 होंगी, और ये कॉलम हमारे कितने होंगे, 300 होंगे, तो इस तरह से होंगे, और जो यहाँ पे छोटे छोटे हमारे वर्ग बन रहे हैं, ये प्रत्येक एक वर्ग है, तो इन वर्गों जब हम काउंट करेंगे, जब योग करेंगे उनका, तो हमारे कितने आएंगे, वो 60,000 आएंगे, तो 60,000 क्या क्या है, हमारे वर्ग हैं, तो वर्ग को दिखाने के लिए आप स्क्वायर लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा यहाँ पर क्षेत्रफल के केस में क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक सामान्य, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है जिसे हमें सरल करना है। देखिए फ्रैक्शन के केस में यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ये पूछा गया था हमारा प्रीवियस ईयर में, अब इस पर आधारित आप इस टाइप के सभी फ्रैक्शन को कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए इनमें क्या करना पड़ता है, 1/2 + 1/4 है, सबसे पहला काम आपका होता है नीचे जो आपके हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, उनको आप समान करते हैं, बराबर करते हैं, और उसके बाद आप उनको जोड़ देते हैं, घटाते हैं, जो भी ऑपरेशन बीच में होगा उसको आप लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जोड़ना है, और हमारा नीचे 1 4 1 2 2 है यहाँ पे, तो देखिए इनका आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अर्थात आप जो है 4 और 2 का लॉसो लेंगे, तो 4 और 2 का लॉसो एलसीएम, और 2 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसको आपने नीचे लिख दिया 4 इक्वल टू। अब देखिए अब यहाँ पर 4 आपका आ गया, तो यहाँ 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया आपने, तो 2 आ गया ऊपर, प्लस यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 1 से गुणा किया आपने, तो 1 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 1 आ गया यहाँ पे, तो ये आपका 3/4 आ गया। एक मेथड ये है कि आप सीधा क्या करें, जो यहाँ पर हर है इसका ऊपर नीचे गुणा कर दें, और जो यहाँ पर हर है उसका ऊपर नीचे गुणा कर दें, और उनको आपस में जोड़ दें, तो आपका तब भी आंसर वहाँ पर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1/2 है और ये 1/4 है, आप क्या करें, गुणा 4 कर दें ऊपर नीचे, ये हो गया, प्लस गुणा 2 कर दें यहाँ पर ऊपर नीचे, तो देखिए क्या आ रहा है, 4/8 + 2/8, देखिए यहाँ पर बराबर हो गया हमारे नीचे, अब इनको आप जोड़ सकते हैं, 6/8, अब 2 से कट रहा है ऊपर नीचे, देखिए 3/4, तो आपका आंसर फाइनली वही आ जाएगा। आप जो है दोनों मेथडों का यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड हमारी और भी इजी होती है, लेकिन फाइनली आपको यहाँ पर काटना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, और आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3/4 वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर वर्गमूल निकालने वाला है, स्क्वायर रूट हमें निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, हमने पिछले वीडियो में बताया था स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट को। देखिए जब भी आपको दशमलव वाला स्क्वायर रूट निकालना हो, एक क्वेश्चन आपको अवश्य पूछा जाता है इससे, दशमलव का स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, सबसे पहला काम आपका होता है जो भी आपको अंक दिया है उसको आप निकाल लेंगे, अंक यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर अंक तो हमारे यहाँ पर 0 भी है, 0 को आप हटा देंगे, 0 आप नहीं लेंगे, यदि इससे पहले आपको कोई नॉन जीरो यहाँ पर नंबर नहीं हो तो आप 0 को छोड़ देंगे, ठीक है, आपका नॉन जीरो यहाँ पर नहीं है इधर को, तो आप यहाँ पर पकड़ेंगे 3 और 6, 36 हो गया, और 36 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए,
ये आपका 6 होता है, 6 7 37 यहाँ पे, तो ये आपका 6 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अंक तो पता लग गया, 6 आएगा आपका नॉन जीरो वाला नंबर। अब आपको देखना है कि दशमलव आपका कहाँ पे लगेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए नंबरों को, जो दशमलव के बाद के नंबर हैं इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 हैं, तो 4 हैं, तो 4 यदि आपके वर्ग में यहाँ पर दशमलव में अंक हैं, तो वो जो वर्गमूल में अंक होंगे वो आपके 4/2 होंगे, अर्थात यहाँ पर आपके 2 होंगे। देखिए जब आप दशमलव का वर्ग करते हैं तो उतनी ही पीछे हटता जाता है वो, जैसे हमने यहाँ पर 0.1 किया, इसका हम वर्ग करेंगे, अभी 1 अंक पे है तो वर्ग करने पे 2 अंकों पे चला जाएगा, फिर 2 अंकों पे है तो वर्ग करने पे 4 अंकों पे चला जाएगा, तो वर्गमूल निकालने पर क्या होगा, हमारी उसकी उल्टी प्रक्रिया होगी, उसको हम आप भाग देके निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि 4/2 किया, तो 2 अंकों पे हमारा दशमलव होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे 1 अंक है केवल, 6 है यहाँ पे, अब हमें 2 अंकों पर दशमलव लगाना, तो क्या करेंगे हम 1 0 आगे से बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे 0.06 यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा किसका, 0.0036 का। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमें यहाँ पर ऑप्शन, हमें 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ये हमारे दोनों एक जैसे हैं, हमारा 0.6 दिया है और यहाँ पे 0.06 दिया है, तो ये एक ही बात होती है हमारी, क्योंकि दशमलव से पहले हमारे जो ये यहाँ पे 0 है इनका कोई मान नहीं होता, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एक, हमें इक्वेशन दिए है, एक समीकरण दिए है हमें, जिसको हमें हल करना है। यहाँ पर ये 81, ये भी आपका 81 है, 81 × 81 प्लस 68 × 68 माइनस 2 × 81 × 68 बराबर, सॉल्वर ये क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए आप इनकी जगह पे यहाँ पर आपके 2 नंबर रिपीटेड हैं और एक आपका 2 आ रहा है, आपका देखिए 81 और 68 यहाँ पर 2 नंबर हैं जो बार बार आ रहे हैं, और 2 आपका एक अलग नंबर है जिसको आप 2 ही रख देंगे, तो इनकी जगह पर आप क्या करेंगे, 81 की जगह पर आप ए मान लीजिए और 68 की जगह पर आप बी मान लीजिए। अब देखिए आपका क्या बनता है, a × a अर्थात ए का स्क्वायर हो गया, प्लस b × b आपका बी का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 को 2 उतार दीजिए, ये ए है आपका और ये बी। अब आप ज़रा गौर से देखिए, आपका यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, और ये आपका एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो रैखिक यहाँ पर द्विघात समीकरण में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमारा होता है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, तो आप शॉर्टकट में क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी जगह पर रख देंगे। अब देखिए आपको क्या रखना है, जब आपने ये शॉर्टकट वाला निकाल दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी जगह पर, अब आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ए आपका 81 हो गया और बी आपका 68 हो गया का स्क्वायर, इन दोनों को सबट्रैक्ट करिए, आपका 13 आया यहाँ पे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 169 मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 169 यहाँ पे आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आपको इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन को आपको याद रखना है, पहले आपको इनको कुछ मान लेना है, क्योंकि तो जब आप मान लेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखिए यहाँ पर आगे हमारा एकदम स्पष्ट हो गया कि ये हमारा फॉर्मूला जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है, तो इनको आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन भी आपका एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है जो हमारा रैखिक समीकरणों पर या फिर द्विघात समीकरणों पर आधारित होता है, ये हमारी जो इक्वेशंस होती हैं जो सर्व समीकरण होती हैं उन पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो इनको आपको याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, या ए प्लस बी का क्यूब होता है, माइनस का क्यूब होता है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन पर रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वर्ग पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन है, एक स्क्वायर पर आधारित यहाँ पर, एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए आपको एक वर्ग यहाँ पे दिया है जिसकी परिधि यहाँ पे
एक वर्ग है आपका कोई भी, मान लीजिए कि एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए होंगी। वर्ग की यहाँ पे एक हमारी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि यहाँ पे इसकी एक भुजा ए मान ली हमने, तो सारी भुजाएं यहाँ पे ए हो जाएंगी। तो देखिए परिधि जो होती है इसकी, परिधि मतलब जो परिमाप होता है, देखिए परिधि का मतलब परिमाप होता है, परिधि वर्ग की परिधि मतलब वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब चारों ओर की माप। चारों ओर की माप कितनी हो जाएगी, ए ए ए ए, सभी को ऐड कर देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अर्थात ये आपका 4a हो जाएगा। तो यही आपका वर्ग का एक परिमाप होता है कि 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है। अब देखिए आपको वर्ग का परिमाप कितना दिया, 4a बराबर कितना दिया आपको, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका ए कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 1000 बट्टा 4 कर देंगे आप, देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे 250 यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर में, ये आपकी एक भुजा की लंबाई यहाँ पर आ गई, क्योंकि ए बराबर हमारा आ गया यहाँ पर 250। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, इनके लिए आपको बेसिकली फॉर्मूला याद होनी चाहिए और छोटी सी हमारी कैलकुलेशन होती है वो आपको करनी है, तो आप इजीली इनको निकाल लेते हैं। और देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा यहाँ पर भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग अर्थात 1 का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, जब यदि आपको वर्ग निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो, और जब आपको परिधि निकालनी हो तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है जो वर्ग पर आधारित हैं, और हमारे हमने अदर क्वेश्चन देखे ऊपर यहाँ पे, जो जिन पर हमने यहाँ पर जो भी फॉर्मूले टेकन लगाई, इन क्वेश्चन को आप अदर क्वेश्चन में यहाँ पर अदर पेपर में एग्जाम में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देना आपको इन लॉजिकों को ध्यान में रख के आपको करना है, और इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप प्रिया शेयर से कर सकते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों को अपनी नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे दोस्तों। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में, ओके थैंक्स।